सईद चैप्टर 5 रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर, और किसी और बुक में होगा व्हेन पीपल रिबेल बिगेंस। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर है। आप इसको देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को छोड़कर यहाँ आपको बनाना, आंसर वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि ईच ऑफ दीज ब्रिटिश ऑफिसर वाज इन्वॉल्व विथ ईदर ब्रिंगिंग चेंजेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन और सबडूइंग टेरिटरी। तो नेम द इवेंट दे वेयर एसोसिएट विथ, कि ये कौन कौन सा विद्रोह या क्या क्या घटना घटा था एसोसिएट, उसको लिखना है। तो यहाँ पर जैसे पहला का आंसर, आप आंसर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लिखते जाइए आप। ये पांच नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी हो सकता है, सर हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैम्पबेल, जनरल और नील लॉर्ड कैनिंग। तो इसको आपको क्या घटना से संबंधित है उसको लिखना, आंसर वीडियो के लास्ट में जब क्वेश्चन हो जाएगा तब आपके पास टाइम होगा। फिर एमसीक्यू है, एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस है पहला का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इमीडिएट काउज दैट सेट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द अनरेस्ट एमंग द, तो चार ऑप्शंस है, चारों का आपको आंसर यहाँ पर कोई भी हो तो वीडियो में ऊपर धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप ऑप्शंस पढ़ के उसको देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, अगर चारों आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। थ्री का जो चार है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार ऑप्शंस ए बी सी दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं तो डी भी आपको दिख जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ रहे हैं एमसीक्यू में, फिर क्वेश्चन नंबर, यहाँ जो फिलिंदी ब्लैंक्स है यहाँ पर फिलिंदी ब्लैंक्स करना है आपको। तो फिलिंदी ब्लैंक्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो है आप एक एक फिलिंदी ब्लैंक्स देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, फिर ये आंसर इन ब्रीफ, इसको शॉर्ट में आंसर लिखना है। पर तीन क्वेश्चंस आप पूरा लिखिए, चौथा भी हल्का दिख रहा है, हु वाज मंगल पांडे, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर धीरे से ऊपर मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू से फाइव तक आपको दिख रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स दिख रहा है आपको, अब इसका आपको आंसर देना है। जैसे पहला का था जो कि कौन कौन एसोसिएट किससे था, आंसर अपना मिला लिया, गलत है तो उसको याद कर लीजिए। फिर थ्री हुआ, फिर वहाँ से जो चौथा जो था कौन किससे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फोर्थ का, फोर मिला लीजिए, फाइव मिला लीजिए। फिर जो एमसीक्यू था उसका भी आंसर दिया हुआ है, टू का, वन का सी, टू का बी, थ्री का बी, थ्री में दोनों हो सकता है बी एंड सी, फोर में डी एंड फाइव में सी। फिर यदि फिलिंदी ब्लैंक्स को यहाँ पर भर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, मैंने पूरा सेंटेंस ही दे दिया है कि होना क्या चाहिए था,
अगर गलत है तो पूरा याद कर लीजिए, और अगर नहीं है तो इसका जो एक पार्ट वन से जो वीडियो लिंक है उसका मैं दिया हुआ, उसके जो डिस्क्रिप्शन से वहाँ जाइएगा, और इस जो पूरा क्वेश्चन और आंसर का इसका PDF फाइल भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको भी आप नोट कर लेंगे। ये 5 तक का फ्रेंडली ब्लैंक्स हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 क्वेश्चन था उसका पहला का आंसर आप मिलाते जाइए। धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 को मिलाइए। टू के बाद जाके आप 3 को मिलाइए। क्वेश्चन 2 का जो यहाँ पर और बचा हुआ है, अब आप 3 का ये कर सकते हैं। फिर आप 3 का कुछ बात बता हुआ है उसको लिखिए। फिर 4 का जो हुआ आज मंगल पांडे था वो क्वेश्चन का आंसर लिखिए। फिर 5 का आप ये मिलाइए, 5 और 6 का। डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल भी दिया हुआ है, और आपको अगर नहीं समझे चैप्टर तो उसका 6 पार्ट का पूरा एक सीरीज है, तो पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ, फिर पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें पार्ट 2 का भी लिंक होगा। थैंक यू।